जय श्री राम। तो दोस्तों, प्रभु श्री राम के पिताजी दशरथ और दशरथ के पिताजी अज, ये अब हम सभी जानते हैं और शायद अज भी किसी ने आज पहली बार ही सुना होगा, क्योंकि मैंने भी शायद आज पहली बार ही सुना। तो इसी तरह से और भी लोग होंगे जिनको कि सूर्यवंश की वंशावली का ही पता नहीं होगा, तो यही मन में मेरे भी ख्याल था आज। तो मैंने सोचा कि इसका थोड़ा सा पता लगाया जाए कि प्रभु श्री राम की वंशावली क्या है। तो खोज करते करते इंटरनेट से तो कुछ मुझे मिली है जानकारी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में जय श्री राम तो ज़रूर लिख देना। तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, तो हम शुरू से शुरू करते हैं कि प्रभु श्री राम की वंशावली। राजा अज के पहले जो 37 राजा हुए सूर्यवंश में, तो वो कौन कौन थे, तो वो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरे इस प्रयास को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। प्रभु श्री राम की वंशावली इस प्रकार है। सबसे पहले ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र विवस्वान, विवस्वान के पुत्र मनु, मनु के पुत्र इश्वाकु, इश्वाकु के पुत्र कुक्षी, कुक्षी के पुत्र विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र बाण, बाण के पुत्र अनरण्य, अनरण्य के पुत्र पृथु, पृथु के पुत्र त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार, धुंधुमार के पुत्र युवनाश्व, युवनाश्व के पुत्र मानधाता, मानधाता के पुत्र सुसंधि। और मित्रों, सुसंधि के दो पुत्र हुए ध्रुवसंधि और प्रसेनजीत। और जो वंशावली आगे है वो ध्रुवसंधि से भरत, भरत के पुत्र हुए असित, असित के पुत्र सगर, सगर के पुत्र असमंज, असमंज के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। और मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा, भागीरथ ही हैं जो माँ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, माँ गंगा को जिन्होंने पृथ्वी पर बुलाया था, है ना। माँ गंगा अवतरित हुई थी भागीरथ जी के ही प्रताप से। तो प्रभु श्री राम का जयकारा लगा के कमेंट पे लिख दीजिए जय श्री राम, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया। तो भागीरथ के पुत्र ककुत्सत, ककुत्सत के पुत्र रघु। और मित्रों, यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि रघु सूर्यवंश के अत्यंत ही तेजस्वी और पराक्रमी नरेश थे, तो उन्हीं के नाम पे बाद में इसका जो सूर्यवंश को रघुवंश भी बोलने लगे। तो बस ये राजा रघु के नाम से ही आगे से ये रघुवंश हो गया, जो आपने सुना भी होगा, रघु कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, तो ये शायद वहीं से शुरू हुआ होगा। तो आगे शुरू करते हैं। रघु के पुत्र प्रवृद्ध, प्रवृद्ध के पुत्र शंखण, शंखण के पुत्र सुदर्शन, सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पुत्र शीघग्र, शीघग्र के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रशुश्रुक, प्रशुश्रुक के पुत्र अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र नहुष, नहुष के पुत्र ययाति, ययाति के पुत्र नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए अज, जो कि रघुवंश के 38वें राजा थे, मतलब सूर्यवंश के 38वें राजा। और अज के पुत्र दशरथ, प्रभु श्री राम के पिताजी। और दशरथ के पुत्र फिर चार पुत्र, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और आगे के तो आप जानते हैं, फिर राम से आगे लव और कुश। तो यही है प्रभु लीला, और यही है प्रभु श्री राम की वंशावली जो कि मुझे मिली है। और ये सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है मेरा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई गलती हो या इसमें कुछ त्रुटियां रह गई हो तो मैं उसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। और बस जो मुझे इंटरनेट से मिला वो बस वही मैंने आपके साथ शेयर किया। तो हो सके आपको अच्छा लगे, तो बस आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय श्री राम।